दो दिन पहले पंजाब के रियासती वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था कि साउथ इंडिया जाने से बेहतर है पाकिस्तान जाना। नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर आज बीजेपी कारकुनान ने इमलीबन बस स्टॉप पर एहतजाजी धरना दिया और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ नारेबाजी की। चलाते वक्त लेंगे, ऐसे ही नहीं आ रहा है। बैंगलोर की फैक्ट्री और जा रही है, पूरे मेरे मुस्लिम दोस्त नहीं है। सीएम का जाना है। अरे हाथ अरे बेटा वाला दोस्त अब हम सब पार्टियों से मिलके रहते हैं। राकेश भाई भाई राकेश भाई बोला देशम गुरु जैसा है दो जैसा है भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे देश का गद्दार देश भारतीय जनता पार्टी देश का गद्दार जय वंदे मातरम। मेरे दोस्तों, दो दिन पहले पंजाब में कसौली डिस्ट्रिक्ट में नवजोत सिंह सिद्धू ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फेस्टिवल चला था पूछे कि उन्होंने ये बताया कि साउथ इंडिया जाने से बेहतर पाकिस्तान जाना बेटर है बोल के, तो ये किस हकीकत से बोले इसको हम टोटली खंडम कर रहे। और वो भूल गए कि 1987 में ओडीआई फर्स्ट टेस्ट वो चेन्नई से शुरू करे, और ये स्टेटमेंट को खंडम करते हुए और उन्होंने चारे क्या जैसा कि इलेक्शन है साउथ में, जैसा तेलंगाना आंध्रा में इलेक्शन है, ऐसा पाकिस्तान को सपोर्ट करने से मुस्लिम वोट उनको मिलता है, तो ऐसे गंदी राजनीति को मैं टोटली कंडम कर रहा हूं। उन्होंने अगर वापस नहीं लिया फैसला तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अगर वो हम उनको मेल करेंगे कि ये जो बोले बात वन वीक में वापस लेना, अगर नहीं हुए तो हम राष्ट्रपति को निवेदन करेंगे कि इनको बर्तरफ करो अपने पोस्ट से बोल के। क्या किसी पीएस में आप लोग कंप्लेंट दिए हैं? देंगे, आज उनको पहले लेटर देंगे, अगर नहीं आए तो आज मैं अफजलगंज पीएस में कंप्लेंट देंगे। हम हमारे सिद्धू साहब जब इमरान खान साहब बुलाए तो पाकिस्तान जाके अब मतलब आर्मी चीफ को गले लगे, वो लास्ट टाइम भी ऐसे गले लगे तो उनको मालूम कि बॉर्डर पे कितने लोग अपने शहीद हो गए, ये देखते नहीं वे भी जाके वो क्या करे, आर्मी को चीफ जाके गले लगे, ऐसा इनका नेचर ऐसी दिख रहा उनका। लास्ट चार पांच साल पहले एक एक्सीडेंट में एक आदमी को मार दिए, आज तक भी उनको मतलब कोर्ट हाईकोर्ट में चल रहा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा उनका, तो ऐसा ये ऐसा दिख रहा कि इन्हों देश के खिलाफ काम कर रहे ऐसा दिख रहा मेरे को।